प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी, अब हमने इसमें चिकन डाल दी है। अब हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे और साथ में हमने जो लहसुन का पेस्ट रखा था वो एक स्पून इसमें डाल दिया है। ओके, अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, भूनें चिकन के साथ साथ। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक हसब ज़रूरत जितना भी आपको चाहिए। और इसमें डालेंगे हम जो मसाले पुलाव बनाए थे, पुलाव मसाला, वो डालेंगे। ठीक है, हाफ डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। अभी से सिर्फ मैं हाफ डालूंगी हाथ से, और मैंने नमक हाथ से ही डालना होता है, पता नहीं मुझे चम्मच से नमक अंदाज़ा नहीं होता। तो आप इसमें कम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लो। मैंने मसाले डाल दिए, ये तीनों मसाले को मिक्स करते हैं। ओके, अच्छे से मिक्स करते हैं। जब तक ये हो रहा है हम दूसरा पैन लेते हैं, उस पैन को गर्म करते हैं ताकि हम इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ गाजर को सॉल्ट डालते हैं, गाजर फ्राई करनी है इसमें। ठीक है, चलिए जी, हमारे गाजर पूरी तरीके से इसमें चले जाएंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। ये हमारे गाजर फ्राई हो जाए, हल्की सी पर, ज़्यादा नहीं। इसमें हम डालेंगे शक्कर, ठीक है, थोड़ी सी चीनी, जो हमने 2 चम्मच चीनी दी है उसमें तकरीबन 1 चम्मच चीनी इसमें डाल दें आप, और 1 चम्मच चीनी फिर हम चावल में डालेंगे, क्योंकि अफ़गानी पुलाव का टेस्ट वैसे जो मीठा मीठा सा होता है, इसमें कोई स्पाइसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पर बड़े मज़े की लगती है, और स्पेशली देखने में वो कलरफुल गाजर और किशमिश। यम, बस इतना ही फ्राई करना है हमें गाजर, इससे ज़्यादा नहीं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आती है हमारी बारी किशमिश की। किशमिश को पहले हम पानी से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। नहीं, हमारी किशमिश स्लो फ्लेम में करनी है ताकि किशमिश जले नहीं, वो फूलना शुरू हो जाएगी तो डन हो जाएगा। फिर इसको भी हम गाजर के साथ डिश में निकाल लेंगे, जब तक गोश्त हमारा हो रहा है, ताकि अच्छे से गोश्त मैरिनेट हो जाएंगे प्याज में। फिर इसमें पानी डालते हैं। अब गोश्त में पानी डाल दीजिए इतना कि यखनी बन जाए, इतना कि जैसे कि आप चावल डालो तो वो ईजिली कुक्ड हो जाए। ठीक है, ये हमारा पानी गया, अब इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि गोश्त भी गल जाए और प्याज भी सारे टूट जाएंगे ईजिली। ये किशमिश हमारी हो गई है, ये बस डन। अब इससे ज़्यादा हमें करनी नहीं है, वरना ये ओवर कुक हो जाएगी। ओके, अब इसे हम निकाल लेते हैं फौरन। अच्छा जी, तो गाजर फ्राई होकर आ गए, किशमिश भी हमारी फ्राई हो गई है लाइट सी, और बस चावल हम लोगों ने सोख लिया है। चिकन को हल्के आंच में रख दी हूँ कि थोड़ा सा चिकन गल जाए, वैसे तो चिकन चावल में ही हो जाएगी। अभी मैं इसे ढक देती हूँ, थोड़ा सा स्लो फ्लेम में पकाते हैं हम, इसके बाद वापस आते हैं। ये हमारे चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने डाल देना है चावल। ओके, चावल हम लोगों ने कोई अलग से बॉईल नहीं किया, कुछ नहीं किया है, सारे चावल इसमें डाल दूंगी और जितना भी पानी है इसी में इसको पक जाना है, ताकि इसकी यखनी में ये अच्छे से डिज़ोल्व होकर पक जाए। ठीक है, और पानी का अंदाज़ा आप लगा लीजिए, मेरे लिए इतना पानी काफ़ी है, क्योंकि मुझे चावल थोड़े खड़े रखने हैं और हमें एक मोटी पतीली को दम पर रखना है इसको, इसलिए थोड़े से खड़े चावल रखेंगे। ओके, चलिए जी, अब जब तक चावल हमारा बॉयल होता है फिर हम आते हैं वापस। हाँ जी, अब देखें ये चावल तकरीबन 1-2 कनी हुई है, मतलब कच्चे हैं अभी भी, पूरे पके नहीं हैं, कुछ कनियाँ इसमें बाकी हैं। इसको पूरा कुक नहीं करना है, हमें दम पे कुक करना है। अब इसमें हमने डाल देना है ये पुलाव मसाले सारे। ठीक है, ये पुलाव मसाले हमने पूरे अच्छे से, जैसे कि बिरयानी में आप लगा रहे होते हो लेयर, वो डाल दो। शक्कर जो बची हुई है, सारे शक्कर मसाले मैंने सब इसमें डाल दिया है। अच्छे से यूज़ करना चाहिए सामान। ओके, अब बचे हैं गाजर और किशमिश। ठीक है, ऑन द साइड, एक साइड पर हम गाजर डाल देंगे और एक साइड पर किशमिश। ठीक है, ये देखिए भाई, मैंने डाल दिया है कि गाजर डल गई है, सही, यहाँ पर मैंने किशमिश डाली है। ओके, और ये देखें हमारे मसाले भी नज़र आ रहे होंगे, पुलाव मसाले, और पानी भी मौजूद है। सो अब इसको हम अच्छे से दम पे रखेंगे
तकरीबन 15 से 20 मिनट, जितना आपके चावल पे कसर रहता है कि चावल पक जाए, सही से वेल कुक्ड हो जाए। ठीक है, अभी ये पक जाएंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने तवे पर अपनी डेगची को कवर करके अच्छे से रख दिए ताकि हमारे चावल सही से वेल कुक्ड हो जाए अच्छे से, क्योंकि हमने चावल को सही से पकाया नहीं था। सिर्फ यखनी में 2-3 बॉयल करने के बाद उस पर गाजर किशमिश की लेयर लगा कर उसे ढक कर रख दिया है। अब देखते हैं, डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्ती हो गई, हो जानी चाहिए। लेट्स सी, ये हमारे गाजर है, ज़बरदस्त हमारे चावल हो चुके हैं। चले अब हम इसे निकालते हैं। जी, ये अफगानी पुलाव तैयार हो चुका है और मैंने सिर्फ छोटा सा हमारा बदलने का एक टुकड़ा रख दिया है क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने लगा दिया। और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके साथ मैंने बनाई है अपनी मिक्स सलाद, जो मैं अक्सर बिरयानियों में बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगी और बिना किसी मिस्टेक के। मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक हो गई होंगी मुझसे, बट कोई नहीं, हम एक फैमिली है, हमारी मिस्टेक को दरगुजर किया जाए। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।